जीसस, थैंक यू जीसस, जय मसीह की सबको, पापा पारी के जय शिकार मसीह की सबको, जय मसीह की। एमसी खुदा का शुक्र है। कुछ पर्सनल इशू है जिनकी वजह से, उनकी शायद लाइट का कुछ इशू है जिसकी वजह से, क्या पता थोड़ी देर में ज्वाइन करें, लेकिन खैर हम वचन को कंटिन्यू करते हैं। से ओके, ये वचन मुझे प्रार्थना मिला आज और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। जैसे मैंने बरकत पाई, आप सब भी ब्लेस हो गए इस वचन के द्वारा। आमीन, आमीन। सबसे पहले हम वचन को देखेंगे, जबूर 105, जबूर 105 उसकी 5 वर्स, जबूर 105 उसकी 5 वर्स। जी कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। ये बहुत ही खूबसूरत जबूर है, ये आज मुझे प्रार्थना में मिला। आप तो ब्लेस हो इससे। जी 105 वर्स पढ़ते हैं जी, 5। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। जी जी, एक दफा पंजाबी में भी पढ़ो इसको, फिर मैं उर्दू में पढ़ूंगा। ओदे अचरज कम्मा नू जेड़े उसने किते हन चेते रखो, ओदे अचम्मा नू अते ओदे मुंह दे नियमा नू वी। उर्दू में कुछ इस तरह लिखा है, मैं भाई जहूर के लिए पढ़ रहा हूँ, जबूर 105 उसकी 5 आयत। खुदावन हमें ये फरमाते हैं, उन अजीब कामों को जो उसने किए, किसने, खुदावन ने, उसके अजायब, उसके वंडर्स और मुंह के अहकाम को याद रखो। अब ये जबूर नवीस हमें भेद दे रहा है, हमें भेद दे रहा है विश्वास में दृढ़ रहने का, अपनी ब्रेक थ्रू को लेने का। यहाँ पे सीक्रेट दे रहे हैं खुदा का आत्मा, कैसे कहता है, उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। दो चीजें कह रहा है, एक वंडर्स जो वो पहले कर चुका वो, और मुंह के अहकाम, उसका वचन याद रखो। और इस वचन का, इस कलाम का टाइटल है कि अपनी जो स्पिरिचुअल फैमिली है या स्पिरिचुअल हिस्ट्री या स्पिरिचुअल जेनेरिक, उसको बाइबल में से स्पिरिचुअल मैपिंग करना, उसको देखना। फॉर एग्जांपल मैं सादे लफ्जों में ये बोलता हूँ कि मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, उसकी उसकी मैरिज में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो बाइबल में से वो किस तरह अपनी स्पिरिचुअल मैपिंग कर सकती है, देख सकती है, कैसे। मान लो कि वो एक वचन को पढ़ती है, एस्टर, एस्टर उसके सामने आता है वचन, वो कहते हैं अरे ये तो मेरी सिचुएशन है, सेम मेरी सिचुएशन है, तो अगर खुदा उसके लिए कर सकता है तो मेरे लिए कर सकता है, ये उसके लिए करेमा वचन बन सकता है। और सेम यहाँ पे कोड हुई है बात, कैसे लिखा, उन अजीब कामों को जिसने किए, क्या किया था एस्टर के लिए, खुदा ने कैसे उसको उठाया था, याद है सबको, खुदा का वंडर था। और मुंह के काम, मतलब खुदावन ने जो उससे बात की थी, खुदावन ने जिससे बात की थी कि हाँ तू अब जाएगी राजा के पास, तू फेवर को पाएगी, वो खुदावन ने बात की थी, मुंह के हकाम को उसने याद रखा था। और अजायब, आप इस वचन को कैसे क्लेम कर सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल मैपिंग के जरिए, हाँ खुदावन आपका फेवर एस्टर पर आया था, खुदा वो ग्रेस मेरे ऊपर भी थे। मेरी बात को अगर समझ रहे तो आप हाथ उठा सकते हो। इस मैसेज का भी मैं सिर्फ टाइटल आपको बता रहा हूँ, हम आगे जाते रहेंगे, अगर समझ आ रही है तो हाथ उठा दो, बोलो बेशक ना हाथ उठा दो। बाकी सबको भी आ रही है, मंजू, राजू भाई, सिस्टर तन्नू, जहूर भाई, सबको आ रही समझ मेरी बात की जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी भाई, आ रही है। ओके,
ओके हम कंटिन्यू करते हैं. तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल मैपिंग कर सकते हैं, जिस तरह ये जबूर 105 में लिखा हुआ है कि हाँ कैसे उसके अजायब और उसके मुंह के अहकाम को याद रखो. जैसे हमने पीछे सीखा था कि विश्वास पैदा होता है सुनने से, सुनना मसीह के वचनों में से. तो विश्वास हमारे अंदर एक जिंदगी, एक रूह को फूंकता है, एक न्यू ब्रेथ देता है, एक नई सांस देता है कि हाँ मेरे लिए भी हो सकता है सब. आप उस वचन को पढ़ते हो, मेरे लिए भी हो सकता है, खुदावन कर सकते हैं. क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके मुंह के अहकाम है, वो मिरेकल वर्कर है, वो वंडर वर्किंग गॉड है. और इसका एक और प्रूफ मैं आपको देता हूं ऐसा क्यों हो सकता है. देखो सेकंड स्टेप आता है इसी जबूर की 105 की 7 वर्स, और ये सिस्टर तन्नु पड़ेगी 7 वर्स, 7 आयत. जी सिस्टर तानिया पढ़ो. जबूर 105 ना जी? जी सेम जबूर, उसकी 7 वर्स. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं. आमीन. आठ भी पढ़ो, आठ की शुरू वाला पोर्शन, बल्कि आठ पूरा पढ़ो, 7-8 दोनों पढ़ दो. ओके. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं. वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है, रखता आया है. यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है. आमीन. इसको मैं उर्दू में पढ़ता हूँ. 105 की 7 वर्स में लिखा, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं. ये नहीं कि होंगे, लिखे ऑलरेडी हैं. उसके अहकाम हैं, उसके वचन हैं, उसके लॉज हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके नियम हैं, तमाम धरती के ऊपर हैं. और वो अपने कवनेंट को हमेशा याद रखता है. फिर 8 वर्स में लिखा है, यानी उस कलाम को जिसने 1000 पीढ़ियों के लिए, 1000 पुश्तों के लिए फरमाया. आज इस वचन में ये रेवलेशन है कि आज वो आपसे बात कर सकते हैं कि हाँ मैं तुझे तो ब्लेस करूंगा. आज उसकी ये प्लानिंग हो सकती है कि मैं तेरी पीढ़ियों को भी ब्लेस करूंगा, तेरी पीढ़ियों में से कोई ना मांगेगा. लेकिन क्या आप उसको देखोगे? नहीं, उसकी यही प्लानिंग है कि आपकी नस्लों को ब्लेस करने की. कैसे? क्योंकि उसने ऑलरेडी अब्राहम को किया. उसने क्या कहा था कि तू कौमों का बाप कहलाएगा, तेरी नस्ल में से बादशाह निकलेंगे, काहिन निकलेंगे, तू सर होगा, तुम नहीं होगा. आमीन. और कहता है 1000 पीढ़ियों तक उस वचन को याद रखते, अपने कवनेंट को. तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके या मेरे साथ उसका क्या कवनेंट है? कवनेंट है? या अगर मैं ये पूछूं, आप या मैं उसके साथ कवनेंट में चलने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या बोलोगे? कवनेंट अलहदा चीज है, बरकत अलहदा चीज है, ये याद रखना. आमीन. जी आमीन. जी इसके 9 वर्स पढ़ता लिखा, उस अहद को जो उसने अब्राहम से बांधा और उस कसम को जो उसने इजाक से खाई. अब ये जबूर को आप इसके रेफरेंस को पढ़ो तो यहाँ पर वो पूरी की पूरी हिब्रू कौम की हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे खुदा ने कवनेंट बांधा, किस से बांधा. वो लोग तो शायद चले गए, लेकिन कैसे खुदा ने अपने वचनों को याद रखा और उस कौम को मिस्र से निकाल कर लाया. और ऐसे नहीं निकाल के लाया सोने और चांदी के साथ बहुत आहत से, लेकिन विश्वास किसका था? इब्राहिम का. लिखा है इब्राहिम परमेश्वर पर ईमान लाया और उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, और उस विश्वास की वजह से पूरी की पूरी नस्लें उसकी ब्लेस हो गई, क्योंकि वो कवनेंट में आ गया, खुदा के वाचा में आ गया. कैसे वाचा में आ गया? खुदावंद उनको आवाज देता है, इब्राहिम तो अपने लोगों में से निकला. ओके ओके, ये अब खुदा कवनेंट दे रहा है. कवनेंट बरकत लेना लेता है, कवनेंट बांधना एक अलग चीज है. और ये कवनेंट ये हो सकता है, ओके खुदावंत आपने मुझे आवाज से ब्लेस किया, मुझे राइटिंग से ब्लेस किया, और ये आज मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ, आज आत्मा किसी के लिए बोल रहा है, उसको आंसर मिलने जा रहा है.
आमीन आमीन आज ये कवनेंट हो सकता है कि हाँ खुदावंद आपने मुझे ये टैलेंट दिया लिखने का, खुदाया पहले नहीं मैं जानता था लेकिन मैं अब से सर्व करूंगा तेरे कामों के लिए, तेरे किंगडम के लिए, मैं ये कवनेंट मानता हूँ, वाचा बांधता हूँ। खुदाया तूने मुझे आवाज दी, अच्छी दी है, शायरी दी है, खुदा मैं बांधता हूँ, मेरी जुबान तेरी स्तुति के लिए खुलेगी, तेरे भजन के लिए, तेरे गीतों के लिए खुलेगी। आमीन आमीन। ओके खुदावन आपने मुझे सामर्थ दिया, आपने मेरे इर्द गिर्द ऐसा माहौल रखा है खुदा, मुझे सेफ्टी दी है, तो खुदा ये मैं टाइम प्रार्थना में स्पेंड करता हूँ, ये कवनेंट बांधता हूँ। ओके खुदावन मैं यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल मैं 6 से लेकर 7 बजे तक प्रार्थना करूंगा, मैं ये कवनेंट बांधता हूँ, मुझे ग्रेस दे इस कवनेंट में चलने के लिए। इब्राहिम ने बांधा था ऐसा कवनेंट, खुदा ने उसको बोला निकल तो फिर क्या करूंगा, फिर तुझे मैं बरकत दूंगा, कौमों का पिता बनाऊंगा, जो तुझे बरकत देगा उसको बरकत, जो तुझे लानत करेगा उसको मैं लानत करूंगा। क्यों था ऐसा? क्योंकि वो कवनेंट में था, वो कवनेंट में था और बरकतें उसके पीछे थी। हालेलुया, वो कवनेंट में था और बरकतें उसके पीछे आती थी। आमीन। अब मुझे दिखा दो कब उसने प्रार्थना की होगी बरकतों के लिए, वो कवनेंट में चल रहा था, खुदा के वचन के ऊपर चल रहा था। और शेर मैं बरकतों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मटेरियल बरकतों की कर रहा हूँ, इस दुनियावी बरकतों। वचन कहता है कि वो एक आशीष, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक कवनेंट में था, किसके साथ? इस राजाओं के राजा के साथ कवनेंट में था। और अगर आपको कवनेंट का नहीं पता तो कवनेंट का कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, कवनेंट अलग चीज है। कवनेंट में अगर मान लो कि अब एक कवनेंट मैरिज का कवनेंट बांधा जाता है, तो उसमें क्या होता है? वचन कहता है कि वो दो जिस्म नहीं बल्कि एक जान है, मींस कि जो हस्बैंड के वो वाइफ का, जो वाइफ के वो हस्बैंड का, चाहे कुछ भी है, चाहे पैसा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी है, वो किसके है? दोनों के, दोनों उसमें बराबर के शरीक हैं, हिस्सादार हैं। और अब ये सोचो, इस चीज को रियलाइज करो कि जिसका खुदावन के साथ कवनेंट होता है तो खुदा के पास क्या नहीं है। आप नाम ले लो, मैं बोलना किसी और बात पे चाह रहा था लेकिन जैसे खुदा की मर्जी, एकदम सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं बोलना किसी और विषय पे जा रहा लेकिन सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो कवनेंट इसको कहते हैं। तो मुझे बताओ कि आपके साथ कवनेंट है खुदा का या मेरे साथ है? बताओ, है कवनेंट? अगर है तो बताओ कब है, कैसे है, कैसे कवनेंट में आए हम? कोई बोल सकता है, बता सकता है? जी कोई भी, जी कोई भी आंसर। जी कवनेंट, कवनेंट जी भाई, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप बात को आगे बढ़ाए, हम इस पे शेयर कर लेते हैं। जी श्योर जी। तो गुड न्यूज ये है कि यहोवा पिता ने अपने बेटे का लहू दिया, कवनेंट, ठीक है, उसने अपने लहू से खरीद कर हमें अबदी अहद में शामिल कर लिया। अब उसने तो कर लिया, उसने तो ओपन ऑफर कर दी। ओके, उसने तो ओपन ऑफर कर दी कि ये मेरा कॉवेनेंट है, ये तुम्हारी बरकत है, लेकिन अनलेस अगर तुम चलोगे तो फिर ये तुम्हें मिलेंगे। क्योंकि कॉवेनेंट में दोनों दोनों जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको काम करना पड़ता है कॉवेनेंट में, बेनिफिट्स को लेने के लिए। अब मान लो कि मेरा जहूर भाई के साथ कोई कवनेंट आता है, तो कवनेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं। अब जहूर भाई कहते हैं कि ओके हम एक स्टाम करते हैं, इस पे ये चीज लिखना है, ये कंडीशन है, अगर तूने ये तोड़ा तो फिर तुझे लॉस होगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ चलता रहा तो जो कुछ मेरा तेरा, मेरा बिजनेस तेरा, सब कुछ तेरा। सेम मेरी साइड से भी ऐसे होगा, लेकिन जब तक दोनों एक साथ चलेंगे, लेकिन जहां कवनेंट टूटता है
तो फिर क्या होता है, तो फिर दूसरी पार्टी क्या होती है, नाराज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अलग है, कॉन्ट्रैक्ट किसी कंडीशंस में होता है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ लिमिट होती है, मान लो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, साल का, 2 साल का, टेम्परेरी होता है। और यह इंटरनल कवनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अबदी कवनेंट, हमेशा के लिए। खुदा ने अपना लहू दिया, लहू अपने बेटे का लहू दिया उस कवनेंट को बांधने के लिए। तो हमसे क्या मांगता है, क्या मांगते है बताओ हमसे, कलाम पे चलना। एग्जैक्टली कलाम पे चलना, कि ये मैंने कंडीशन दी है, तुमने इसको मनन करना मान लिया। तो 105 के हम 5 पढ़े तो लिखा है, उसके जाय पर उसके मुंह के काम को याद रखो। क्यों? साथ में बताना कहता है क्योंकि उसके नियम तमाम जमीन के ऊपर है, उसने अपने अहद को हमेशा याद रखे, वो कभी नहीं भूलने वाला, कभी नहीं भूल, ना ही देरी करने वाला, ना भूलने वाला ना देरी करने वाला। आज मैंने एक स्टेटस पे लगाया था 125 की एक दो लिखा था, यहोवा पर ट्रस्ट करते हैं वो किसकी नाई है, पहाड़ की तरह, सयून के पहाड़ की माने थे, सयून के पहाड़ की तरह। पहाड़ तो सबने देखा है ना, पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाता है, उसको काटा भी जाए ना तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सयून के पहाड़ का जिक्र है, सयून, माउंट ऑफ जायन। और अगर माउंट ऑफ जायन की हिस्ट्री को पढ़ो, बुक ऑफ एडम में पढ़ो, तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि वो खुदा का पहाड़ कहलाता है, जहां पर खुदा की प्रस्तिश की जाती, खुदा के बेटे और बेटियां मिलकर वहां पर खुदा अपने लोगों से मिलने को उतरता है। हम आगे बढ़ते हैं जी, और 12 हम और ज्यादा डीप जाने वाले हैं इसकी 12 वर्स को जी, 12 वर्स को पढ़ो, 12 वर्स को, 12 को पढ़ो। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। जी 13 भी पढ़ दो। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। यस आमीन। 12 में लिखे, इस वक्त वो शुमार में थोड़े थे बल्कि बहुत थोड़े, इस मुल्क में मुसाफिर, एक कौम से दूसरी कौम, एक जाति से दूसरी जाति, एक किंगडम से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फिरते थे, आवारा थे, जिनका अपना घर नहीं था। आज जब खुदा आपको आवाज देकर बुला सकते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं, आपको छुड़ाने के लिए बुला सकते हैं, तब आप कमजोर हो सकते हैं, तब आपसे वो ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ तो मेरे पास था, बिल्कुल इब्राहिम की तरह तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बरकत पर बरकत देता जाऊंगा। तब आप उसको उस वक्त लग सकता है, या इवन के और थैंक यू होली स्पिरिट, कि जिस तरह इस जबूर को हम पढ़े हैं, इस वक्त तो शुमार में थोड़े, उसके आस पास भी कह सकते हैं हमको, देखिए अरे ये कमजोर, ये दावा कर रहे हैं, ये अभी ये दावा कर रहे हैं कि हमें ये मुल्क मिलेगा, कहाँ है सबूत उनके पास, ये मुल्क तो हमारा है, इस मुल्क की तो रजिस्ट्री जमीनें हमारे नाम पर है, और ये क्लेम करते हैं हमें मिलेगा, ये तो दूसरी कंट्री से असाइलम लेकर आए हुए हैं, इनको कैसे मिलेगा। लेकिन उनको क्या पता कि वो तो कॉवनेंट में है, उनके माइंड ही दिल के अंदर खुदा की अजीब काम है, और उनके मुंह के ऊपर अहकाम है, और उनको ये नहीं पता, सारी जमीन उसका हुक्म मानती है, और उसका वचन मैनिफेस्ट होकर ही रहता है। जीसस खुद कहते हैं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कई बातें कभी ना टलेंगी।
नंबर्स 20-29 लिखा है, खुदा इंसान नहीं तो झूठ बोले या अपना अरादा बदले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज आ सकती है, आज कंफ्यूजन आ सकती है, डाउट आपके मन में डाल सकते हैं कि हाँ खुदा ने तेरे से 2015 में ये बात की थी तो क्या हुआ, या खुदा ने तो तुझे मान लो कि फ्राइडे नाइट की मीटिंग में ये बोला था तो क्या है, चीजें तो और ज्यादा बुरी होती जा रही। लेकिन आप क्या करोगे, मैं अगेन जाता हूँ पहले स्टेप की तरफ, लिखा उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं, उसके अजायब और मुख्य अहकामों को आप क्या करोगे, आप अपने स्पिरिचुअल जेनेरिक को सर्च करोगे बाइबल में से कैसे, जिस तरह मैंने एस्टर की एग्जांपल दी, यहाँ एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, जदून, जदून के करैक्टर को हम बाइबल में पढ़ते हैं, देखिये खुदावन ने जदून को आवाज दी और जदून को जब खुदा ने बुलाया तो खुदा ने जदून को कहा अपने बाप के बुतों को तोड़ दे। आज ये हो सकता है कि फैमिली में मैं आप सिर्फ एक ही बुलाया होता है, हमारी बाकी फैमिली नॉन बिलीवर हो सकती है, हम क्या करेंगे। आज जब ये वचन मुझे मिला तो साथ ही एक और वचन मिला, इस वचन को खोलने के लिए, इस वचन की चाबी, हाँ हम क्या करेंगे। ओके खुदावन आपने मुझे बुलाया, खुदावन आपका वचन कहता है कि आपका वचन आग और हथौड़े की तनाई है, आग और हथौड़े की, खुदा मैं उसी हथौड़े को स्पिरिचुअल रियल में यूज करता हूँ, और जितने भी बुत हैं, जितने भी आइडल वर्शिप है मेरी फैमिली में, जितनी वो स्पिरिट हैं जिन फैमिलीज को इन इंसानों को वर्शिप करवाती, बाप उस हथौड़े को मैं लेता हूँ यीशु के नाम से, उन सारे बुतों को मैं तोड़ता हूँ, उनको मैं क्रश करता हूँ, उनको मैं क्रश करता हूँ। क्योंकि क्यों खुदा, क्योंकि आपने जदून को यह दिया था, और मैं वह सेम प्रिंसिपल खुदा फॉलो कर रहा हूँ, आपके अजायब को याद कर रहा हूँ, आपने जदून के लिए किया आप मेरे लिए भी कर सकते हो, मैं आपके मुंह के काम को याद रख रहा हूँ। आमीन। जी हाँ, थैंक यू। जोशुआ निकालो, जोशुआ 21:45, जोशुआ जी, जोशुआ 21:41 or 45 सॉरी, क्या लिखा वहां पर, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी, सब के सब पूरी हुई। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर रेवलेशन ये है कि जितनी बातें आप उस सीक्रेट प्लेस में खुदा आपसे बोलते हैं या वचन में है, जितनी ब्लेसिंग है, जितनी डिक्लेरेशन है, जितनी कवरेंट की ब्लेसिंग है, उनमें से एक भी ना छूटेगी, कभी भी नहीं, एक एक पूरी होगी, एक एक पूरी होगी। हम तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन वचन कहता है उसने अपने कवरेंट को हजारों पुश्तों के लिए बांधा, आने वाले बच्चे भी देखेंगे, आने वाली नस्लें भी देखेंगे कि हाँ किसी ने तो बीज बोया था, किसी ने तो प्रार्थना का बीज बोया था, कोई तो कवरेंट में चला था, किसी ने मेरी खा, ओ थैंक यू होली स्पिरिट। एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम 105 की तरफ वापस जा रहे हैं, 105 की तरफ हम वापस जा रहे हैं, 105 की तरफ हम वापस जा रहे हैं, 105 की 19 पढ़ो सिस्टर तन्नू, 105 की 19, 19। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आज ये हो सकता है वो आपको प्रॉमिस कवेनेंट के कारण वो आपको देख भी सकता है कि ये कसौटी पर पूरा उतरता है, इस कवेनेंट में चलता है। लेकिन गॉड टेस्ट हार्ट एंड माइंड,
जेनेसिस 21 पढ़ो, जेनेसिस 21 की 6 पढ़ो, 21 की 6 सॉरी 22 की, 22 की 1 पढ़ो, 22 की 1 पहले पढ़ो फिर बाद में 21 की 6। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। दोनों दो रेफरेंस मैंने आपको बताया, जेनेसिस 21 की 1 और जोशुआ सॉरी दूसरा रेफरेंस मैंने कौन सा बताया आपको, जबूर 105 की 19 कसौटी पर। हो सकता है, पॉसिबल है, इसलिए जबूर 105 की 5 में लिखा है उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। क्यों याद रखो? क्योंकि जब कसौटी पर कसे जाओ तो तुम सफल रहो, और ये इंसानी ताकत से नहीं हो सकता। क्योंकि जब आज मुझे वचन मिला तो मेरी ये प्रार्थना थी हाँ कि होली स्पिरिट मुझे सिखा कि जब कसौटी पर आऊं तो आपके ग्रेस के द्वारा पूरा उतरूं। क्योंकि इंसान निर्बल है, आत्मा तो ताकतवर है लेकिन शरीर कमजोर है। तो खुदाया मैं अपनी इंसानी अकल से नहीं कर सकता, बल्कि अपना फजल दे मुझे, अपना फजल दे। आमीन। और ये सब आपके लिए भी है, आप भी ऐसा कर सकते हो, इस प्रेयर पॉइंट को ले सकते हो। जी अब पढ़ो जेनेसिस, जेनेसिस 21 की 6, 21 की 6। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। आमीन आमीन। जिस तरह मैंने पहले स्टेप पे वापस जाता हूँ कि जब हम अपने स्पिरिचुअल जनरी को सर्च करते हैं, सारा के साथ क्या हुआ देखे, सारा ने कहा, मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, पैदाइश 21 की 6 में लिखा है, और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, आप टूटे हुए हो सकते हैं, आपके सामने ये वचन आ सकते हैं, सेम वही प्रिंसिपल 105 जबूर की 5, खुदावंद अपने सारा को हंसाया, खुदा मेरे इस रोने को हंसी में बदल दे यीशु के नाम में। अभी आप इमोशनली प्रे नहीं कर रहे, आप वचन के अंदर आ गए, उसके प्रिंसिपल्स उसके नियम के अंदर आ गए। कैसे? 105 में लिखा है उसके काम तमाम जमीन के ऊपर। और ये वचन किसी के लिए है? आज ये हो सकता है, आज ये हो सकता है कि आपको दिखने वाले या बोलने वाले ये कहें कि क्या है तेरे पास, तेरे से अच्छा तो नॉन बिलीवर है जो 3 टाइम का खाता है। प्रभु का वचन आपको, जब आप अपने स्पिरिचुअल जनरी को सर्च करते हो, वचन आपके सामने आता है कि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। आपके पास पहला सैमुअल आता है, सेकंड सैमुअल आता है, आपके सामने ये आता है जैसे कि खुदावंद ही अमीर करता, खुदावंद ही करीब करता है। जबूर 75 में लिखता है कि सरफराजी ना मशरिक ना मगरिब शमाल ना जनूब किसी की तरफ से नहीं। आप ये प्रार्थना कर सकते हो, ये तो मेरे लिए है, खुदा उठावन यीशु के नाम में मुझे उठा, क्योंकि मैं जान चुका सरफराजी देने वाला तो तू है परमेश्वर, मुझे उठाता जा खुदा अपनी महिमा के लिए उठा। और मैं कवनेंट में आता हूँ खुदा, अपनी महिमा के लिए उठा, आज किसी की कोख खाली है जो अपने स्पिरिचुअल जनरी को सर्च करता है, उसके सामने आता है हन्ना, तो ये उसके लिए रेवलेशन है। अरे ये तो मेरे लिए खुदावन, मैं आपके अहकाम को याद करती हूँ, मैं आपके अजीब कामों को याद करती हूँ, अपने हन्ना को भरा खुदाया, हन्ना खाली ना लौटी, यीशु के नाम से मांगती। खुदा मैं नहीं जानता पीछे सिचुएशन क्या थी क्या नहीं है, लेकिन इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ, मैं आपके मुंह के अहकामों को याद करती हूँ।
इसी तरह बहुत से वचन है जब आप इसको सर्च में करते हो, और यही रीजन थी उस होमवर्क को देने की, जब मैंने कहा था टॉपिक लो वचन को लिखो, ये रीजन थी सर्च करने की, खोजने की, खोजने की, खोज करने की, ये रीजन थी। ऐसा होता है, देखो आप कुछ बाइबल की बुक्स हैं जिनको आप पढ़ते हो तो आपके अंदर ये डिजायर आती है कि खुदावन मुझे एक ग्रेस चाहिए, मुझे ये मसा चाहिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा है। मान लो कि आप पढ़ते हो डैनियल को, तो ऑलरेडी खुदावन ने आपके अंदर वो पुट किया डिजायर, आपके दिल में आता है कि तू प्रार्थना कर इस तरह इस एनॉइंटिंग में मूव करे, पॉसिबल है। खुदावन का वचन खुद आपको इनवाइट कर, आप तो लेना चाहते हो लेकिन वो आपसे पहले खुद आपको देना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कवनेंट बांध चुके हैं अपने ब्लड के द्वारा, अपने बेटे को देकर कवनेंट बांध चुके हैं, अपने बेटे को देने कवनेंट को बांध चुके। अफ्रीका में कवनेंट इस तरह बांधा जाता है कि दो व्यक्ति अगर एक कवनेंट को बांधते हैं तो आते हैं और अपनी कलाइयों को काटते हैं, कलाइयों को काट कर, लाइन को काट कर एक दूसरे के खून एक दूसरे को टच करते हैं, और इस बात का सिंबल होता है, इस बात का सिंबल होता है कि आज से मेरी प्रॉपर्टी तेरी, तो जो कुछ लेना चाहे ले सकते हैं, तो तेरी मेरी चाहे कुछ भी है। इस तरह कवनेंट बांधा जाता है। तो ब्लड, ब्लड की बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, ब्लड की, लहू की, क्योंकि लहू के अंदर जान होती है, किसी भी प्राण होते हैं लहू में, तो खुदावन तो ऑलरेडी उस कवनेंट को बांध चुके हैं, लेकिन ये पूरी बाइबल उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी की पूरी बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको ये बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो होता है ना कंट्रीज के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है यूनिवर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ पैरा हैं, अलग अलग ब्लेसिंग्स के, अलग अलग चीजें। इब्राहिम तो एक जगह पर ये कहता है कि मैं उस खुदा की हम्द करता हूँ जिसने मुझे सारी आफतों से अपने फरिश्ता को मेरे आगे आगे भेजकर बचाया, इस बात को जानता है। कर सकते हैं प्रार्थना, हाँ खुदा जिस स्पिरिट ऑफ लाफ्टर दे, जिस स्पिरिट ऑफ जॉय से भर दे खुदा, अपनी खुशी से भरता जा। वो खुद कहता है अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे, क्योंकि वो जानता है कि तू नहीं उठा सकता, अपना बोझ मुझे दे। और यही एक भेद है 105 की 5, सुपर नेचुरल में मूव करने का, या डिवाइन इंटरवेंशन को मांगने का, लेने का, खींचने का अपनी ओर, डिवाइन इंटरवेंशन को। और आज मैं हैरान था जब मैं बाइबल को पढ़ा था, तो एक अलग तरीके से कि जिन जिन लोगों ने ऐसा किया वो एक अलग तरीके से ब्लेस होना शुरू है। अगर आप पहला राजा पढ़ो उसकी 17 की 4,
तो लिखे परमेश्वर कहते हैं कि तुझे तारवर के नाले के पास जाना है, मैंने कवों को वहां हुक्म दिए कि वो तुझे खिलाएंगे, कवों को। इसी जबूर 105 को आप पढ़ो, आपको हैरान हो जाएगा कि वो कैसे मूव कर रहे थे, कैसे मूव कर रहे थे। फेवर खुदा की तरफ से इस धरती पर, जान कोई उनको टच नहीं कर पा रहा था। 105 जी, 105 105 की आप पढ़ो जी, 34 में जब आप देखते तो लिखा है उसने जी 34 का मतलब उसने हुक्म दिया, किसने, खुदा ने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियां और कीड़े आ गए खुदा के हुक्म से, और उनके मुल्क की तमाम नबातात चट कर गए और उनकी जमीन की पैदावार खा गए। फिर अजी 30 देखिए, उनके मुल्क और बादशाहों के बलाखानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। फिर अगर आप यूना की किताब पढ़ो 3:7 में लिखा है कि खुदावन ने फिर एक उस कीड़े को हुक्म दिया और इस कीड़े ने उस बेल को काटा। और ये उनके नोहा के टाइम में देखिए, खुदा ने हुक्म दिया और सारे के सारे चल कर किसके पास, कश्ती में आए, कश्ती में आए। और इवन के आप ये कहोगे पुरानी नए नियम में, आपको वचन देता हूँ, नए नियम में जीसस कहते हैं अपने डिसाइपल को कि जाओ और उस मछली को पकड़ो, उस मछली के मुंह में क्या है, तुम एक मोती को या एक सिक्के को लोगे। अहकाम, खुदा के अहकाम। और इसी तरह इसमें यह रेवलेशन ये है, इसमें यह भेद यह है कि खुदावंद बात करता है दिल में किससे। मान लो अभी आप इधर प्रार्थना करो, वचन में से प्रार्थना करो, वहां पर खुदा किसी के हार्ट को टच कर रहे, किसी के दिल को बदल रहा है आपके लिए, मेरे लिए। रोमियो 4:17 और एक बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। 4:17 में लिखा है कि खुदा जो चीजें जा चुकी जो है नहीं उनको ऐसे बुलाता है कि गोया के हुआ है। वो कहते हैं अल्फा और ओमेगा, वो हमेशा इंतजार करते कि हाँ कब भी मेरा बेटा मेरे पास आए, मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया। तो अल्फा और ओमेगा, अब ये मेरी बात ध्यान से सुनना कि उसके लिए उन चीजों को वापस भेजना कोई मुश्किल नहीं। आप ये प्रार्थना कर सकते हो, हाँ खुदावन मैंने पिछले सालों में क्या कुछ खोया, क्या अपॉर्चुनिटीज थी, क्या वो टाइम था, कुछ भी था, खुदाया आपकी रेजरेक्शन पावर मेरी जिंदगी में काम करे, और अकॉर्डिंग टू रोमन 4:17 के मुताबिक मैं वापस मांगता हूँ कि वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस है। प्रोवर्ब में लिखा है कि जब चोर पकड़ा जाए तो वो 7 गुना वापस करेगा, 7 गुना, ये भी खुदावन का एक नियम है, जो 7 गुना वापस करेगी। मैं आपको एक खुदा के दास की टेस्टिमनी देता हूँ, छोटी सी टेस्टिमनी, डेविड योंगीचो, एक कोरियन पास्टर है डेविड योंगीचो। जब उनको ये वचन मिला तो उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, और वो एक कमरे में रहते थे, ना उनके पास चेयर, ना उनके पास टेबल, कुछ भी नहीं, वही कमरा, वहां ही सोते, वहां ही खाते और वहां ही सो जाते। और उस कमरे से निकलते हजारों मील चलकर स्लम एरिया में खिदमत करने जाते थे। एक दिन उसके सामने एक वचन आया कि हाँ, उनको पता चला कि खुदा मुझे ब्लेस करना चाहता है, खुदा की विल तो ये है कि मैं बरकत पाऊं। खुदा ने उनको फेथ के ऊपर सिखाना शुरू किया, फेथ का रेवलेशन देना शुरू किया। उनके सामने वचन आया कि हाँ, मैं प्रभु के नाम में जो कुछ भी मांगूं मुझे मिल जाएगा। उन्होंने वचन किया क्योंकि प्रभु मुझे
एक चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक बाइसिकल चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो। मैंने प्रार्थना की, विश्वास किया। जैसे ही प्रार्थना से उठे, तो प्रार्थना में तो विश्वास था, लेकिन जैसे ही उठे तो वो ऐसा लिखते हैं कि मुझे लगा कि विश्वास एक चिड़िया की तरह उड़ गया। मतलब पहले जो खुशी, पहले जो सेटिस्फेक्शन थी वो चली गई। मैंने प्रभु की आत्मा से पूछा कि प्रभु ये क्या। प्रभु की आत्मा ने उनको रोमन का वचन दिया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि खुदा उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो जा चुके गोया है। उनको पवित्र आत्मा ने प्रेयर पॉइंट दिया कि हाँ, तुझे कन्फेस करना कि तेरे अंदर है वो। उन्होंने चर्च में खड़े होकर ये चीजों को कन्फेस किया कि खुदा ने मुझे ये चीजें दे दी। अब वहां पर कुछ लड़के, यंग लड़के, टीनेजर थे, उस वचन को सुन लेते। जैसे ही पास्टर साहब पुलपिट से नीचे उतरे थे, उन्होंने पूछा कि आज हमें आपके घर जाना है, हमें देखनी है वो चीजें कहाँ पर है। पास्टर थोड़ी देर के लिए परेशान कि वो तो है नहीं, मैं इनको कैसे दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाला कि हाँ, तुझे ये करना है। वो कहते हैं ओके, कहते हैं आओ। उनको घर ले गए, तो जैसे घर के अंदर जाते थे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खाली। तो वो टीनेजर हंसना शुरू हो जाते हैं, टीनेजर हंसना शुरू। पास्टर परेशान हो जाते हैं कि ये मेरा पोल खुला, तो मैं तो खिदमत करने के लिए भी नहीं जा सकूं। लेकिन उसी टाइम पवित्र आत्मा ने उनको ये वचन दिया और उनको बोला, इनको ये जवाब दे, इनसे पूछ कि जब तू अपनी माँ की कोख के अंदर था, तो क्या तू दिख रहा था दुनिया को। इसे उन्होंने बोला कि मेरी जो बरकतें हैं वो मेरे अंदर हैं, वो मेरे अंदर है, लेकिन जैसे मैं विश्वास में ऑपरेट करता हूँ वो मैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्ट होती है, वो बाहर आती है। उनको मैं पवित्र आत्मा की आग पर सेकता हूँ, मैं डिक्लेरेशन करता हूँ, मेरा मन उसके वचनों से हटता नहीं है, क्योंकि मेरा मन उसके अजायब पर रहता है, कि वो सामर्थ रखते हैं इन बातों। और आज आप सर्च कर सकते, देख सकते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च है, वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च। इस विश्वास से बढ़ाते बढ़ाते उनको खुदा ने रेवलेशन देते गए। उन्होंने आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू करना की कि खुदा रूहें भेज। और पहले साल उन्होंने 1000 रूहों के लिए प्रार्थना की, मिल गई। उन्होंने कहा ओके, ये तो काम करता है, मैं 2000 के लिए प्रार्थना करूंगा। बढ़ते 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 बढ़ता गया ये काम। और एक टाइम था कि जब खुदावन ने उनको कहा था कि हाँ, मैं वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च तुझे दूंगा, बनाऊंगा। ये जमीन काफी एक्सपेंसिव थी, मैं ये तुझे दूंगा। तो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया। उनके पास कुछ नहीं था उस समय। उन्होंने सारे मेंबर्स को बोल दिया ओके, हमें ये जगह मिलने वाली है। तो ऐसा हुआ कि उस मुल्क की इकॉनमी ने क्रैश करना शुरू कर दिया, सब कुछ खत्म, जीरो। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। पास्टर फिर उसी हालत पर वापस आ गए, लेकिन उसको वचन पर विश्वास था। वो टूटे तो थे, लेकिन प्रार्थना में थे कि खुदावंत मुझे विश्वास है। खुदा ने लोगों के हार्ट को टच करना शुरू किया। और उस समय में लोगों ने अपना सब कुछ बेच के, अजीब तरीके से सब कुछ उनके पास लेकर आना शुरू हो गया। आज देखो, वो कुछ भी चीज है, हो सकता है ऐसी बातें हो सकती कि जिनसे आप टूट सकते। जैसे मैंने वचन पढ़ा 105 का लिखा है, वो उस वक्त छोड़े थे, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में साफर की तरह थे, आवारा थे। लेकिन ये प्रॉमिस पता है कब था? मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये प्रॉमिस कब था। खुदा ने प्रॉमिस इब्राहिम से किया,
मैं आपको वचन पढ़ता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। जबूर 105 निकालो दोबारा से जी, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। जबूर 105 की पढ़ो 42। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। और इब्राहिम के साथ कवनेंट था, खुदा ने अपने वचन को याद किया। इब्राहिम के साथ खुदा का ये कवनेंट था। जब आपको याद हो के लूत और इब्राहिम, लूत ने एक जगह को चूज किया, इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा कि सारी जगह में तुझे देखूंगा, ऐसे ही था ना? तो क्या पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने यशुआ 21 की 41 आपके सामने रखी कि यहोवा की एक एक बात जिसने इज़राइल से बांधी उसमें से एक भी ना छूटी, बल्कि सारी की सारी पूरी, सारी की सारी एक भी। मैंने एस्टर का हवाला दिया आपसे, आपको सब कुछ बोला जा सकता है। एस्टर की क्या सिचुएशन थी, वो वचन आपके लिए करेमा बन सकता है। खुदा का शुक्र हो कि उसकी सामर्थ कमजोरियों में ही जाहिर होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस वचन के द्वारा एक एक को, मुझे भी, सबको बताए से ब्लेस करता जाए, और उसका वचन हमारे लिए खड़ा रहे, और उसके वंडर्स और उसका वचन हमारे दिल और मुंह के ऊपर रहे, यीशु के नाम से, के नाम से। जी सिस्टर सोनिया, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और तो प्रार्थना करो सबके लिए। सिस्टर सोनिया, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपना माइक अनम्यूट करो और सबके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, जय मसीह की सबको। हाँ जी, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, क्योंकि परमेश्वर मौका देते हैं किसी को प्रार्थना करने का, कोई अपने आप प्रार्थना नहीं कर सकते। तो मैं जरूर प्रभु की मर्जी से, प्रभु अपने आत्मा में, आत्मा को मुझे कंट्रोल में ले, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। खुदा का आत्मा मौजूद है यहाँ पे, आप सबके बीच में मौजूद है, वो जिंदा है, जलाली है, सामर्थी परमेश्वर है। वो ये कहता है, मेरा कान इतना भारी नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सकूं। मैं विश्वास करती हूँ कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब भी हम पुकारते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि उनके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं पे लगे रहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ, ये जो भी बंदगी होती है, जिस समय भी होती है, परमेश्वर के कान इस बंदगी की तरफ, इस जूम की मीटिंग की तरफ लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ जितने जन आए हैं वो वचन के भूखे हैं, वो वचन के प्यासे हैं, उनकी जिंदगियों में पवित्र शास्त्र का एक एक वचन पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रही परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करने हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इस चीज से प्रसन्न होते हैं जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि आपके कान मेरे प्रभु जी हमारी स्तुति पे, आराधनाओं पे लग जाते हैं। हालेलुया, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में नजर आए, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में प्रभु तेरी महिमा नजर आए। जब भी बोले प्रभु, तेरे वचनों में बोले प्रभु जी, हमारी जिंदगियों में तेरा वचन भर जाए प्रभु जी, हम इस कलाम से प्रभु जी भर जाएं, इस वचन से भर जाएं, और वचन रूपी तलवार चलाना सीखे तेरी आत्मा के द्वारा मेरी जिंदा जलाल।
हमें वचन रूपी तलवार चलाना सिखाइए मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, वचन रूपी कोड़ा चलाना सिखाइए कि शैतान के ऊपर हम कोड़े चला सके और वो हमारी जिंदगियों से भाग सके प्रभु जी। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर यहोवा, जिंदा जलाली परमेश्वर, आपने हम सबसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र वार दिया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, जिसके सलीब उठाने से हमारे पाप हमारे शाप खत्म हो चुके हैं। प्रभु मैं उस लहू को पुकारती हूँ जो लहू जिंदा है, जो हाबिल से भी उत्तम है, उस पाक और पवित्र लहू को, जिस लहू में छुटकारा है, जिस लहू में शिफा है, उस लहू में मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बेटे को कवर करती हूँ प्रभु जी। यहाँ पे जितने जन आए मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, इनको कवर करते हैं प्रभु जी, सिर के बालों से लेके पैरों की तलियों तक प्रभु तेरे पाक और पवित्र लहू में कवर कर देते हैं प्रभु जी। इस बंदगी से इन बच्चों के चारों तरफ अपने स्वर्ग दूत रखना, आग का बाड़ा लगा देना कि शैतान इन्हें छू भी ना पाए प्रभु जी, अपनी आग से भर दीजिए प्रभु जी, हमें इतना गर्म कर दीजिए कि हमारे अंदर से तेरे वचनों की आग निकले और शैतान जल के राख हो जाए, उसकी योजनाएं जल के राख हो जाए प्रभु जी। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, आपने कहा है मेरे कान हमेशा धर्मियों की प्रार्थना पे लगे रहते, मेरी आंखें हमेशा धर्मियों की ओर लगी रहती, मैं अपने बच्चों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वाहन करती हूँ पवित्र आत्मा जी, एक जन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए पवित्र आत्मा जी। दरअसनम हमारे ग्रेशन, हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, ओ दरअसनम रशन ननशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, हो रुरु रुशन, दरअसनम पवित्र आत्मा जी, आपकी मौजूदगी को हम महसूस करें, हमें अपने कंट्रोल में ले लीजिए पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, एक एक जन की सोच को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, इनके मनों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, इनकी बॉडी के एक एक पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। दरअसनम हमारे ग्रेशन ननशन, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है पवित्र आत्मा अपने आप बाहें भर भर के प्रार्थना करवाएगा, हमारे बंधन टूटेंगे, मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे, आपने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो, हमारा विश्वास है कि आपका आत्मा हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है जहाँ मेरे नाम से दो या तीन जन मौजूद है मैं वहाँ मौजूद हूँ। दरअसनम हमारे ग्रेशन, प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ सांप और बिच्छों को कुचलने की, आपने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे, आपने कहा जो तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग पे बांधेगा, जो तुम धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग पे खुलेगा। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसल हम शैतान की सारी योजनाओं को अपनी जिंदगी में बांध देते हैं, शैतान की सारी योजनाओं को अपनी जिंदगी में बांध देते हैं, अपनी बरकतों को खोल देते हैं। दरअसल हमारे यीशु के नाम से परशन हमारे ग्रेशन, दरअसल हमारे ग्रेशन, दरअसल हमारे ग्रेशन, और रशन हमारे ग्रेशन, दरअसल वो झूठा है, वो होचा है, उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, उसके अधिकार को, उसकी प्लानिंग को यीशु के नाम से कैंसिल कर दे, अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे, उसकी जगह हमारे पैरों के नीचे है। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम, प्रभु अपने दूतों को भेजे, पर्चा लेके भेजे, उन अंधकार की शक्तियों को हमारी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकिए। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, प्रभु तेरा अभिषेक मांगते हैं, क्योंकि आपने लिखा है मेरे अभिषेक के
कारण उसका जुआ टूट जाएगा। प्रभु तेरा अभिषेक मांगते, एक एक जन के ऊपर तेरा मस्सा मांगते, एक एक जन के ऊपर तेरा अभिषेक मांगता कि शैतान के जुए बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से। मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, जैसे अब्राहम का विश्वास आपके ऊपर था वैसा विश्वास हमें दीजिए, जैसे हन्ना का विश्वास आपके ऊपर था वैसा विश्वास दीजिए प्रभु जी। हमें विश्वास का आत्मा दीजिए, हमें विश्वास का आत्मा दीजिए, हमें ज्ञान का आत्मा दीजिए, हमें अपनी बुद्ध से भर दीजिए, अपनी समझ अपने ज्ञान से भर दीजिए, कि शैतान को हम बदला दे सके, जैसा उसने हमारे साथ किया वैसा उसके साथ कर सके, उसकी योजनाओं को अपनी जिंदगी से कैंसिल कर सके, अपने घरानों से कैंसिल कर सके, अपने बच्चों की जिंदगी से कैंसिल कर सके, अपने हस्बैंड की जिंदगी से, वाइफ की जिंदगी से कैंसिल कर सके। आपने हमें जगत की ज्योति ठहराया प्रभु जी, हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत के नमक है, हमारा हिस्सा अंधकार नहीं, हमारा हिस्सा ज्योति है, हमारा हिस्सा प्रकाश है प्रभु जी। हमें अपने प्रकाश से भर दी, आपने कहा उठ प्रकाशमान हो, दुनिया में तो अंधकार छाए पर तेरे ऊपर तेरे परमेश्वर यहोवा का सूर्य उदय। आमीन। आपने कहा तू अपने दुख को पाने की तरह भूल जाएगी और तेरा प्रकाश दोपहर की तरह चमकेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा प्रकाश दोपहर की तरह चमकेगा, जो कभी अस्त ना होगा। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन, ओ रशन नन नन। आपने कहा जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाएंगे वो सब नालिश हो जाएंगे, जो लोग मुद्दई होकर तुम पर नालिश करते हो तुम सबसे जीत जाओगे। आपने कहा वो तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, तेरी तरफ से लड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आपने निर्गमन में कहा तुम चुप रहो, तुम्हारी तरफ से लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर ही है। हे मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, हे अब्बा, हम तुम्हें पुकारते हैं, हम आपको पुकारते हैं। हमारी जिंदगी में आइए, हमारी जिंदगी में आइए, हमारी लाइफ को ग्रहण कीजिए, हमें अपनाइए और शैतान के जुए को तोड़िए, अपने अभिषेक से बढ़िए, शैतान के जुए को तोड़िए। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम स्वर्ग की आग गिरा के जला के राख कर दीजिए। दरअसनम हमारे ग्रेशन, दरअसनम हमारे ग्रेशन नशन भर दीजिए। दरअसन हमें वचन रूपी कोड़ा चलाना सिखाइए शैतान के ऊपर, वचन रूपी हथियार में बच्चों रूपी तलवार चलाना सिखाइए। आपने कहा है आत्मा अपने आप आए भर भर के प्रार्थना कराएगा। ऐ पवित्र आत्मा मैं आपका वाहन करती हूँ, हमें अपने कंट्रोल में लीजिए, हमारे बंधनों को तोड़िए, रस्सियों को जलाइए, शैतान की योजनाओं को कैंसिल कीजिए। जो शैतान ने हमारे दरवाजे बंद किए हैं यीशु के नाम से वो दरवाजे खुल जाए। दरअसन ओ प्रभु हम योद्धा हैं, प्रभु तूने हमें योद्धा बनाया हुआ है, हम योद्धा हैं आपके प्रभु जी। दरअसन क्योंकि जो हमारे अंदर है वो जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है, हम जयवंत हैं, हम जीते हुए उसकी योजनाओं के ऊपर जीते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला और प्रभु ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार को हम यूज करते हैं यीशु के नाम से। दरअसल निकल हमारी जिंदगी से, हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, हमारी जिंदगी से निकल, हुक्म देते, तू हमारी आवाज को पहचानता है, तू हमारी आवाज को पहचानता है, निकल हमारी जिंदगी से, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। गो रशन हमारे तेरे ऊपर स्वर्ग की आग गिराते, जलाकर राख करते। दरअसन हमारे ग्रेशन, दरअसन हमारे प्रभु ने अधिकार दिया। दरअसन हमारे ग्रेशन और रुशन निकल यीशु के नाम से, तुझे सुनाई नहीं देता, तेरा हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, हमारे ऊपर सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर यहोवा का अधिकार है। प्रभु ने अपना लहू बहा के हमें खरीदा है, सिर्फ उसका अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं।
हमारे मनों में जिंदा परमेश्वर है, तू हमारे मनों के अंदर नहीं आ सकता, तू हमारे सोचों के अंदर नहीं आ सकता। हम हर एक नेगेटिव सोच को अपनी जिंदगी से कैंसिल करते हैं, तेरी हर एक योजना को अपनी जिंदगी से कैंसिल करते हैं। निकल दरसना हमारे तेरी जगह हमारे पैरों के नीचे है। हम उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जिसने तेरे सिर को कुचला। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया। हम अनंत जीवन के वासी है, तेरा हमारी जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं है। दरसना हमारे गरेशन, निकल हमारे घरानों से, निकल हमारे बच्चों की जिंदगी से, निकल हमारे हस्बैंड की जिंदगी से, निकल हमारी वाइफ की जिंदगी से, निकल जा। तेरा तेरे को स्वर्ग की आग के जला कर रख देते, हर एक बीमारी को कैंसिल करते हैं, हर एक बीमारी को कैंसिल करते हैं। दरसना हमारे गरेशन, दरसना हमारे गरेशन, ओ रशन ननाशन, दरसना हमारे गरेशन, दरसना हमारे गरेशन, और निकल दरसना हमारे गरेशन, दरसना, ओ रशन। हर एक नेगेटिव दुष्ट आत्मा को अपनी जिंदगी से हुक्म देते हैं, निकल जा। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं, दरसना हमारे, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं, हमारी जिंदगी से निकल जा। दरसना हमारे गरेशन, कले कलेश की दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी से निकल जाए, नशे की दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी से निकल जाए, निकल जाए। नशे की दुष्ट आत्मा जो हमारी जॉब में, जो हमारे परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट, अंधकार की शक्ति हमारी जिंदगी से निकल जाए। रशन हमारे गरेशन, दरसन हमारे गरेशन, जो हमारी प्रेयर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है अंधकार की शक्तियां, यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से निकल जाए। हम आत्मा में बढ़ते जाए, हम आत्मा में बढ़ते जाए। दरसन हमारे गरेशन, दरसन वो रशन हमारे गरेशन, जो डिवोर्स की दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से निकल जाए हमारी जिंदगी से। जो संदेह की दुष्ट आत्मा है, शक की दुष्ट आत्मा है, जो हमारे अंदर संदेह डालती है, जो शक कर डालती है, दरसन वो निकल जाए। स्वर्ग की आग रख के जला के राख कटे, और रशन हमारे गरेशन, तत्सन हमारे गरेशन, दरसन हमारे गरेशन, हो रशन तत्सन हमारे, हमारी कोई भी हानि नहीं हो सकती। दरसन के लिए आपने कहा धर्मियों के ऊपर छह विपत्तियां आएंगी पर सात से भी उनकी हानि ना होगी। दरसन हमारे गरेशन, आपने कहा है जवां सिंह को तो घटी हो सकती पर यहोवा के खोजियों को कभी घटी ना होगी। मेरे समय आपने जैसे स्वर्ग से मन्ना खिलाया था प्रभु इसराइलों को, हमें वो मन्ना खिलाइए, हमें वो मन्ना खिलाइए प्रभु जी। आज की हमें रोटी दीजिए, अपने वचन से हमें भरिए, अपने वचन से हमें भरिए कि शैतान को बदला दे सके। दरसन हमारे, हमें गर्म कर प्रभु जी, हम गुनगुने ना रहे, हम आग से भर जाए, आग से भर जाए। हमें वो ताया सोना बना मेरे प्रभु जी, हमें आग की भट्टी में डाल, हमें आग की भट्टी में डाल, हम उस आग से भर जाए, शैतान जल के राख हो जाए, हमारे पास भी ना आ सके कोई अंधकार की शक्ति। दरसन हमारे गरेशन, दरसन हमारे, ओ रशन, दरसन हमारे गरेशन, ओ रशन हमारे गरेशन, दरसन हमारे गरेशन, बोरिडा ब्रे 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 ब्रे। हे जिंदा जलाली परमेश्वर, आपने मुझे सामर्थ्य दिया सांपुर बिछुगर, मैं आपकी बेटी मेरे परमेश्वर, मैं आपकी दासी इस मीटिंग के लिए प्रभु जी प्रेयर करती हूँ, ये इतनी बढ़ती जाए प्रभु जी। जो भी इस मीटिंग में आए प्रभु जी, ब्लेस्ड होके जाए, खाली ना जाए, भर के जाए वचन से। दरसन हमारे गरेशन, दरसन, जो कोई भी अंधकार की शक्ति इस मीटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती है प्रभु जी, कैंसिल करते हैं उसकी योजनाओं को। रशन हमारे गरेशन, प्रभु ये वचन में बढ़ते जाए प्रभु जी। जितने जन आए प्रभु जी, इन्हें वो बुद्ध दे, वचन को समझने की बुद्ध दे मेरे प्रभु जी। दरसन हमारे गरेशन, ननाशन, दरसन हमारे गरेशन, ओ रशन ननाशन, दरसन हमारे गरेशन, दरसन हमारे। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, इनकी जिंदगी में जो कोई भी मुश्किल है, जो कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो तू सॉल्व कर सकता है, कोई इंसान नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पे है, हमारा विश्वास तुझ पे है। आपने कहा है परम प्रधानों के ऊपर भरोसा ना रखना प्रभु जी, हम तुझ पे आशा रखते हैं, हमारा भरोसा तुझ पे है, क्योंकि तू हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आप यरीहो मुहैया कराने वाले हो, जैसे आपने अब्राहम को भेड़ा मुहैया कराया था, एक एक जन को उसकी जरूरत की चीज मुहैया कराए। आप जानते इस मीटिंग में क्या जन क्या सोच लेके आए,
आप पूरी कीजिए, येरी हो आप मुहैया करें, राफा हो आप चंगा करने वाले हो, एक एक जन को चंगा कीजिए प्रभु जी, इनके दिलों में पट्टी बांधिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर आपने कहा है घायल करने वाला मैं हूँ, पट्टी बांधने वाला मैं हूँ, इनके जख्मों के ऊपर पट्टी आप बांधिए, आपने कहा है तेरे गम की कोई औषधि नहीं, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी बांधूंगा प्रभु, एक एक जन के ऊपर पट्टी तू बांध, मरहम लगा, वचनों का मरहम लगा मेरे प्रभु जी, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में हर एक वो चीज है इंसान को देने के लिए, चंगाई, विश्वास, ये पवित्र शास्त्र हमारी जिंदगियों को बदलता है, एक एक जन की जिंदगी को बदल दीजिए, आपने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके दिल के अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, प्रभु इनके दिलों के अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकले, ये दूसरों को जिंदगी देने वाले बन जाए, इनके अंदर से वो वचन वहे प्रभु जी, इनकी जुबानों से वचन ही निकले, दरअसना हमारे ग्रेशन दरअसना हमारे, इनके मनों की रक्षा कर प्रभु, हमारे होठों पे पहरा बिठा मेरे प्रभु, जब भी बोले तेरे वचनों में बोले, हमारे मुंह से सिर्फ अनुग्रह निकले मेरे प्रभु जी, हमारे हाथ तेरी तरफ है, हमारे आंखें तेरी तरफ है, तू स्वर्ग से उतर और अंधकार को पैरों तले रौंद दे मेरे प्रभु जी, जो अंधकार हमारी जिंदगियों में काम करने की कोशिश कर रहा है, हे जिंदा जलाली परमेश्वर से पैरों तले रौंद दे, सिर्फ तुझे अधिकार है प्रभु जी, तुझे अधिकार है प्रभु जी, हमें ज्योति में लेके आ, हे मेरे वैरियो मुझ पे आनंद मत करो, जैसे ही गिरूंगा वैसे ही उठूंगा, जैसे ही अंधकार मुझ पे जाएगा वैसे मेरे जिंदा परमेश्वर की ज्योति हम पे चमकी, हम विश्वास करते हैं कि हमारे ऊपर वो ज्योति चमक चुकी है, हम विश्वास करते हैं हम चंगे हो चुके हैं, हम विश्वास करते हैं नशे की दुष्टात्मा हमारी जिंदगियों से जा चुके हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति आ चुकी है, गुस्से का आत्मा हमें छोड़ के जा चुका है, हम विश्वास करते हैं कलह क्लेश का हमारी जिंदगियों से निकल चुका है, डिप्रेशन का दुष्टात्मा हमारी जिंदगियों से निकल चुका है, हम विश्वास करते हैं जिंदा जलाली परमेश्वर, तूने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए, तूने अब तक संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखेगा प्रभु जी, हम अपनी आत्मा अपने प्राणों को तेरे हाथों में देते हैं, रख चाहे मार हम तेरे हैं, मरेंगे तो तेरे पास जाएंगे, जिंदा रखेंगे रहेंगे तो तेरी महिमा करेंगे, तूने हमें अपनी महिमा के लिए ठहराया, हम वो भेड़े हैं मेरे प्रभु जी, तेरी भेड़े हैं, तेरी चरवाहे की भेड़े हैं हमारी, तू रक्षा करता है प्रभु जी, तू हमें हाथों में उठा लेता है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है तूने मेरे नाम को जान लिया, मैं तेरा उद्धार करके अपनी महिमा दिखाऊंगा, हमारा उद्धार कर प्रभु जी, क्योंकि हम गैर कौमों में बैठे हुए हैं, क्योंकि तूने कहा है मैं गैर कौमों के बीच में मैं डर डाल दूंगा प्रभु जी, और मैं तुझे सिरा ठहराया है पूंछ नहीं, हम विश्वास करते हैं कि हम सिरा है पूंछ नहीं, आपने कहा है तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें हजार गुना बढ़ाए, मैं विश्वास करती हूँ हम हजार गुना बुद्ध से भरे हुए हैं, हजार गुना समझ से भरे हैं, क्योंकि तूने हमें वो बुद्ध और समझ दिए, हमें और सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्ध से भर, आत्मिक वरदानों से भर मेरे परमेश्वर, आत्मिक फलों से भर परमेश्वर, संसार की बरकतें अगर तुझे अच्छी लगे तो वो हमें देना, ना अच्छी लगे तो ना देना, पर हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे रहें प्रभु जी, अपनी जिंदगी से हुक्म दीजिए उन अंधकार की शक्तियों को, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दीजिए, अपने होंठों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए और हाथ चला के उसे निकालिए, निकल मेरी जिंदगी से, तुझे सुनाई नहीं देता, अपने गुस्से से बोलिए और उसे निकालिए, स्वर्ग की आग गिरा के जला के राख कीजिए, उसकी योजनाओं को कैंसिल कीजिए, अपनी जिंदगी से, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों की जिंदगी से, क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने आपकी आपकी जुबान में सामर्थ्य भरा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखे इस जीव में स्वर्ग और नरक है, हम स्वर्ग के वासी हैं, हमारी जीव में सामर्थ्य भरा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तेरे मुंह के फल का सृजन, जो मेरा दास कहेगा मैं वो पूरा करूंगा, अपने मुंह से क्लेम कीजिए कि शैतान हमारा हिस्सा नहीं है, अंधकार की शक्तियां हमारा हिस्सा नहीं है, वो हमारी जिंदगियों से जा चुकी है, स्वर्ग की आग गिरा के जला के रख दीजिए, अपने होठों को खोलिए, निकालिए निकालिए, जिसके पास गैर जुबान है वो गैर जुबान यूज करे, जिसके पास गैर जुबान वो मांगे, दरअसना हमारे सिंह को बेमेले सांड की तरह बनाई, यीशु नासरी
हुक्म देते हैं यीशु के नाम से निकल हमारी जिंदगी, हुक्म दीजिए निकालिए उसे, हम ब्लेस हैं। मैं विश्वास करती हूँ जितने जन है ब्लेस है, हमारा घराना ब्लेस है क्योंकि हम आशीष के वासी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने ग्रहण किया अनुग्रह पे अनुग्रह। हम आशीष के वासी हैं प्रभु जी, हम तुझ में आनंदित रहें। जिसके विश्वास में कमी है प्रभु, उसके विश्वास को तू बढ़ा प्रभु जी, जैसे तूने अपने दासों के विश्वासों को बढ़ाया था, हमारे विश्वासों को बढ़ा मेरे प्रभु जी। पर हम तुझ पे विश्वास करते हैं पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से तुझे ध्याते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं जो कुछ हमने मांगा, जो कुछ हमने बोला, तूने रिसीव किया प्रभु जी, आपने ग्रहण किया उस चीज को प्रभु जी, आपने वो सुना मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ आपने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं अंधकार की शक्तियां हमारी जिंदगियों से चली गई हैं और तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति हमारी जिंदगी में है। हम प्रकाश में बैठे, हम विश्वास करते हैं हम चंगे हो चुके हैं मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तूने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु जी, और कर रहे और करेगा मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ तेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, मेरे अनुग्रही परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम पे है
क्योंकि आपने कहा निश्चय करना भलाई जीवन भर तेरे साथ रहेगी। हम विश्वास करते हैं कि तेरी करुणा हमारे साथ है, तेरी भलाई हमारे साथ है प्रभु जी। हम आपको क्या दे सकते हैं परमेश्वर, कुछ भी नहीं दे सकते। तूने कहा सिर्फ धन्यवाद की भेंट दे प्रभु जी, हमारे होंठों के नजराने को, अपने बच्चों की धन्यवाद की भेंट को कबूल कर आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता पर यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ और तमजीद हो खुदा, हर एक बरकत आशीष के लिए खुदा। खुदा मैं आपकी आपने जो बागे अदन के बाहर खुदाम इस तलवार को लगाया खुदाम, जो चारों ओर घूमती थी खुदाम, हम सब अपने घरानों पर और जो जो आज खुदा हम इन प्रार्थना के द्वारा हमने रिकवर किया उसके इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द, अपने माइंड के इर्द गिर्द लगाते हैं खुदा उन तलवार को खुदा, ताकि खुदा जिन चीजों से आपने हमें छुड़ाया वापस ना पलटे खुदा, और उस कुत्ते और सूअर की आत्मा को खुदा उसके ऊपर आपकी आग को फेंकते हैं खुदा यीशु के नाम से। सारा इज्जत और जलाल आपी के नाम को देते हैं, और खुदा हमारी रूहों पर खुदा आपका फजल होता रहे, ये सब कुछ मांगते और पाते आपके बेटे यीशुआ के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जी अगर किसी ने कुछ बोलना है बोल सकते हैं, टेस्टिमनी है तो दे सकते हो, बोलना है तो बोल सकते हैं, अगर वचन में से पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। भाई मुझे ये पूछना है कि कवनेंट मींस मतलब एग्रीमेंट को भी बोल सकते हैं कि जैसे हम एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, जी देखो जैसे मैं पहले बता रहा था कि कवनेंट और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट तीनों की ना कंडीशंस फर्क है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था अब मान लो कि आप कह सकते हैं हाँ मुझे एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिला है साल के लिए, या मैंने एक एग्रीमेंट किया है। अब जो कवनेंट है ना, कवनेंट जिसकी मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बताई, ये वो एक जिसको आप हिंदी में बोलते हो वाचा, अहद बांध, वाचा बांध देना, ठीक है, उसको कवनेंट बोला जाता। एग्री तो ये होता है ना कि हाँ मैंने तेरी बात से एग्री कर दिया, या मैंने ये एग्री किया। Covenant is totally different. ये totally different चीज़ है, सही? इसके ऊपर आप देख सकते हो और पढ़ भी सकते हैं covenant के ऊपर। जी अगर किसी और ने भी कुछ बोलना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप सब blessed हो, हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। Thank you.